तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जितने भी यूट्यूब पर यूट्यूबर्स हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, उनके मेन चैनल के अलावा भी उनके पास कई सारे चैनल्स होते हैं। यानी कि दोस्तों हम लोगों को तब पता चलते हैं उनके सेकेंड चैनल थर्ड चैनल के बारे में। वो अपने मेन चैनल के नीचे वो सेकेंड चैनल को मेंशन करके रखते हैं। जितने भी उनके पास चैनल होते हैं वो अपने मेन चैनल के नीचे वो मेंशन करके रखते हैं, ताकि उनके मेन चैनल से ऑडियंस उनके सेकेंड चैनल में भी सपोर्ट कर सके। यानी कि दोस्तों वो अपने चाहते हैं कि हमारा मेन चैनल के अलावा भी कई सारे चैनल्स हो। दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर है और आप चाहते हैं कि हमारा पास भी डबल चैनल हो और हम अपनी मेन चैनल के नीचे अपनी सेकेंड चैनल को भी ऐड करके रखें और हमारा जितने भी मेन चैनल्स में ऑडियंस है, जितने भी सब्सक्राइबर है, वो सपोर्ट करें हमारा सेकेंड चैनल में। यानी कि डायरेक्ट हमारे मेन चैनल्स को ओपन करें, उसके बाद जो है नीचे सजेस्ट करें हमारा सेकेंड चैनल, ताकि हमारा सेकेंड चैनल में भी वो सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों मैं आज आपको यही सिखाने वाला हूं कि अपने मेन चैनल के नीचे वो सेकेंड चैनल को ऐड किस तरह करते हैं। कुछ इस तरह, जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं दोस्तों कि मेरा चैनल के नीचे जो है एक और मेरा चैनल है जो कि आप सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, एरोन टेक। आप इधर देख पा रहे हैं, आप चाहो तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहां भी हम यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको यही सिखाऊंगा अपनी मोबाइल से कि जो है अपने मेन चैनल के नीचे वो अपने सेकेंड चैनल को किस तरह ऐड करते हैं और किस तरह ऐड कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया और पहली वीडियोज देख रहे थे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है यूट्यूब से जुड़ी जानकारी हमेशा अपलोड होते रहती है और आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों, और आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च कर लेना है, आपको सर्च बॉक्स में studio.youtube.com आपको सर्च कर लेना है। सर्च बॉक्स में studio.youtube.com सर्च करने के बाद आप अपने चैनल के डेस्क बोर्ड पर चले जाते हैं। कुछ इस तरह डेस्क बोर्ड पर आ चुके हैं, जैसे कि इधर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मेरा सेकेंड चैनल है दोस्तों। जैसे कि इधर आप देख पा रहे होंगे, मैं सेकेंड चैनल में अपने मेन चैनल को ऐड करके बताऊँगा। तो दोस्तों आप अपने डेस्क बोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। या आप लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि इधर आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये आपको थ्री लाइन का, तो आपको इधर देख पा रहे हो तो ये थ्री लाइन, तो आपको इसी थ्री लाइन में आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख पा रहे होंगे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन, ये आप इधर देख पा रहे होंगे कि चैनल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आपको इस चैनल कस्टमाइजेशन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह के जो है आपके चैनल का कस्टमाइजेशन ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जैसे कि इधर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे लेआउट का ऑप्शन यहाँ शो कर रहा, उसके बाद जो है बाइंडिंग का है, उसके बाद जो है बेसिक इनपुट का। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट में जो है लेआउट आपको इसी में रहने देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, मैं आपको अगर दिखाऊं तो इधर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको अगर अच्छी तरीका से दिखाऊं तो इधर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ जो है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों फीचर्स सेशन का, आपको इधर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि राइट साइड के स्क्रॉल कीजिएगा इधर, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, तो आप इधर देख पा रहे होंगे कि इधर जो है फीचर सजेस्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, और इधर जो है आप इधर देख पा रहे होंगे कि ये जो प्लस एड सेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, आपको जो है यहाँ जो है आपको क्लिक करना है इस प्लस के आइकन में, मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों प्लस एड सेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ सेशन ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों आपके सामने ये सेशन का जो है पेज ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इधर आप देख पा रहे होंगे सबसे नीचे की ओर आपको मैं अगर दिखाऊँ इधर, जैसे कि आप इधर देख पा रहे होंगे, तो इधर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ एक ऑप्शन शो कर रहा है फीचर्स चैनल्स का। तो दोस्तों आपको इसी में आपको क्लिक करना, सबसे नीचे में आपको फीचर्स चैनल्स को देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सबसे नीचे की ओर नहीं दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं इसमें से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, तो आपको फीचर्स चैनल्स में ही आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो मैं नीचे में क्लिक कर दिया दोस्तों। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आप यहाँ देख पा रहे हो सेशन टाइटल डालने का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि इधर आप देख पा रहे होंगे सेशन टाइटल डालने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये आप इधर देख पा रहे होंगे। यानी कि सेशन में आप जो है किस चैनल को या फिर आप क्या डालना चाहते हैं टाइटल आप अपने चैनल्स को, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों माय सेकेंड चैनल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माय सेकेंड चैनल,
माय सेकेंड चैनल। तो दोस्तों मैं अपने यहां टाइटल को डाल दिया दोस्तों माय सेकेंड चैनल। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको यहां दिखाऊं। तो दोस्तों अगर आप उसके नीचे अगर देखते हैं आपको टाइटल डालने के बाद यहां आपको सर्च करने का ऑप्शन देखने मिल रहा है, यानी कि एनी चैनल ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों आपको क्या करना है इस जो है आपको सर्च वाला में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो सेकेंड चैनल आपकी है आपको नाम यहाँ सर्च कर देना है। जैसे मेरा चैनल कर लेता हूँ अपनी चैनल का नाम, तो दोस्तों मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों इधर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि मैं अपना जो है फर्स्ट चैनल को मैंने यहाँ सर्च कर लिया, यानी कि दोस्तों मैं सेकेंड चैनल में ही अपनी फर्स्ट चैनल को ऐड कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं अपने मेन चैनल में सेकेंड चैनल को ऐड कर चुका हूँ तो मैं आपको इसी में बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको जो चैनल आपको जो है आपको सर्च कर लेना है दोस्तों, यहाँ आप यहाँ देख पा रहे हो। सर्च करने के बाद दोस्तों मैं आपको अगर दिखाऊं तो इधर आप बगल में देख पा रहे हो दोस्तों कि आपके चैनल के बगल में सारे चैनल के बगल में आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है। तो आपको इस बॉक्स में इस तरह जो है टिक लगा देना है। जैसे ही टिक लगाइएगा दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मैं आपको अगर सही से दिखाऊं तो यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों। इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो है यहाँ देख पा रहा हूँ डन का ऑप्शन देखने मिल रहा है। तो आपको इस डन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों उसके बाद जो है सिंपली आपके चैनल जो है आपके मेन चैनल के जो है नीचे सेकेंड चैनल आपको सजेस्ट करने लगेगी, जब तक आप यहां से पब्लिश नहीं कर देते हो। तो आपको यहां फाइनली आपको ये सब प्रक्रिया करने के बाद पब्लिश कर देना है। तो मैं यहां चैनल में पब्लिश कर देता हूँ। तो आप इधर देख पा रहे हो दोस्तों कि मैंने अपनी चैनल को पब्लिश कर दिया हूँ। और मैं अगर आपको दिखाऊं दोस्तों तो चल के ये पब्लिश हो चुकी है। मैं अपनी चैनल को यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं उसके बाद आपको दिखा देख पा रहा हूँ कि नीचे को अगर देखते हो दोस्तों तो आप देख पा रहे हो दोस्तों इस चैनल के नीचे जो है आपको मैं आपको सही तरीका से दिखाऊँ तो मेरा यह देख पा रहे हो दोस्तों सेकेंड चैनल यहाँ शो कर रहा है। यानी कि दोस्तों कोई भी आपके मेन चैनल को ओपन करता है तो आपके सेकंड चैनल भी सजेस्ट करता है, आपको देखने को मिलता है। तो आपके चैनल मेन चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर आएंगे आपके सेकंड चैनल पर भी सपोर्ट करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो इस तरह आप अपने सेकंड चैनल के अपने मेन चैनल के नीचे जो है आप ऐड कर सकते हो दोस्तों। इस तरह कुछ आप इधर देख पा रहे हो साफ साफ कि यहाँ जो है मेरा सेकेंड चैनल यहाँ देखने को मिल रहा है। ये अब मैंने यहाँ टाइटल डाला था माई सेकेंड चैनल, तो ये टाइटल भी शो कर रहा है। उसके बाद जो है मेरे चैनल भी यहाँ शो कर रहा है। कोई भी मेरा चैनल को ओपन करता है तो मेरा सेकंड चैनल भी उसको देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह आप अपने मेन चैनल के नीचे सेकंड चैनल को ऐड कर सकते हो। तो यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए और पहली वीडियोस देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है यूट्यूब से जुड़ी जानकारी हमेशा आपको मिलते रहेगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह कंटेंट वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।